जल्दी शेयर करो स्क्रीन, जिसको डाउट है। जल्दी शेयर करें स्क्रीन, किसको डाउट्स हैं। सर मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। अरे करना, 2 घंटे बाद करेगा क्या? देर से बोल रहा हूँ। सर अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ तभी तो वेट कर रहा हूँ ना। एनीबडी एल्स प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर डीपीपी खोल के भी डीपीपी करेगी। ओके सर मैं कर। गोविंद। हाँ चलो सर कर अब लिया गोविंद ने। हूँ। हाँ कर कर बोल, कौन सा क्वेश्चन? सर यही ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। सर क्या बताऊं उसमें? मैंने से बहुत क्या, ये आंसर ही गलत दे रहा है, इसका कोई मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सर एनीबडी उसमें एल्स हुज 12। आंसर मैच? एक मिनट, एनीबडी एल्स हुज आंसर इज गेटिंग मैच? यस सर मेरा हो गया। नो सर। हमारे आंसर हाँ सर। A wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. ठीक है भाई। The resistance between the two diametrically opposite points A and B as shown in the figure is. हाँ दिक्कत है भाई। Total resistance कितना हो गया? 12 ohms per meter। आप बोलोगे सर 12 ohms per meter मतलब total wire का जो resistance करो total की छोड़ो। ये देखो आपने बोला कि सर इसका कितना हो जाएगा 12 × π × r, और इसका भी कितना हो जाएगा 12 × π × r। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, बेसिकली ऐसा है। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 × π × r/2। वैल्यू रख के देख लो कितना आ रहा है, 12 × 22/7 या 3.14 रख लो, × 10⁻²/2 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ओके गलती कर रहा था कि यही कर रहा था? सर। सर किया तो मैंने यही था, फिर बट आंसर मैच नहीं कर रहा। अब मेरे को पक्का हो गया कि अब आपने भी इसी तरीके से किया है। आंसर क्या दे रखा है दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। सर यही आंसर है, बस पागल पाए आदमी को है उन्होंने पी लिख रखा है, पाए क्या? क्या को पी लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट, एनी अदर डाउट्स? सर इसी डीपीपी का 14। गोविंद जल्दी शेयर करो स्क्रीन। अरे कोई और करो, गोविंद बीजी ने गायब हो जाता है यार। Somebody please share the screen. हाँ गोविंद कर रहा है, गोविंद का प्रोसेस बहुत स्लो है, गोविंद का साइंस भाग भी बहुत स्लो है। आंसर है सर ये क्वेश्चन वाला पे बता करो दीजिए फिर ना, ये वाला बता ये वाला है। दीजिए। तेरे को बोलने के लिए ना स्क्रीन चेंज क्या है? द टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिकल पावर सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू द कॉपर वायर। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 किलो वोल्ट। द पावर लॉस इन द वायर इज, पावर लॉस ही तो बताना है। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट, ठीक है भाई साहब, एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 वोल्ट, ठीक है भाई, ओम है वो, वोल्ट नहीं है, ध्यान रखें। द पावर लॉस इन द वायर इज, क्या दिक्कत है इसमें?
आप बोलते हो कि सर टोटल डिस्टेंस कितनी बोला 150 किलोमीटर, मैंने बोला कि सर अगर एक छोटा सा पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, 1 किलोमीटर वायर की अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पर तो लेने डेटा 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 देख लेने बेटा, डेटा एक बार नोट कर लेने दे। एट वोल्ट एंड 0.5 ओम, ठीक है भाई साहब। आपने बोला टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर लॉस निकाल दो, या तो वी स्क्वायर बाय आर कर दो या फिर आई स्क्वायर आर कर दो, जैसा भी निकालना हो वैसा कर लो, ठीक ही बात है। क्या बताओ उसमें गोविंद? सर मैं भी आपकी तरह यही टेक्निक लगा रहा हूँ, बट मेरे आंसर नहीं निकल रहे सर। तेरे आंसर कभी निकलते हैं, किसी का ही आंसर मैच कर रहा था? यस सर 19.2 आ रहा है। यस सर मेरा भी। चलो एनी अदर डाउट? जल्दी जल्दी करो यार। सर ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक पी के टर्न हैज टू वाइंडिंग्स, का आंसर है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, याद रख लो। नहीं तो आपने बोला देखो टू वाइंडिंग्स, वन ऑफ देम इज स्विच ऑन द कैटल बिगिन टू बॉल इन टी मिनट्स एंड अबे इसने बोला कि देखो भाई साहब आपने एक वाइंडिंग लगाई है तब उसमें T1 टाइम लग रहा है, आप बोलोगे कितना एनर्जी चाहिए होगा, आप बोलोगे P into T1 एनर्जी की वैल्यू, आप बोलोगे दैट इज आई स्क्वायर आई क्यू मानो बी मानो भाई, आप बोलोगे बी स्क्वायर बाय आर इंटू T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल दो। दूसरा लगाओगे तो आप बोलोगे एनर्जी तो सेम चाहिए होगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय या आर वन था या आर टू था इंटू टी टू, ऐसे ही था? यस सर। और तीसरी की बात कर लो, जब आपने तीसरी एनर्जी तो सेम रहेगा लेकिन आप इसका इसमें कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाय, आप बोलोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, वन बाय आर वन R1 1 by R2 into T, ठीक है? आप उठा के वैल्यू रख दो, 1 by R1 की वैल्यू उठा के रख दो, 1 by R1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 1 by R2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। ओके सर कर लूंगा। आज तक तो लोगे मुझे मालूम है, 1 by R1 की वैल्यू उठा के रखोगे तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा 1/R1 E/V² / T1, यहाँ से 1/R2 E/V², E मतलब एनर्जी की बात हो रही है ना, क्या कर की बात कर रहा हूँ, V² × T2 रख के देखो E=V² 1/R1 E/V² T1 प्लस E/V² T2 इंटू टी, ई कैंसिल, V² से V² कैंसिल, सॉल्व करो T की वैल्यू आ जाएगी 1/T1 प्लस 1/T2, मतलब T1 T2 / T1 + T2, याद रख लो इसको। इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट ये रहना, इसमें कोई डाउट हो पूछ लो। सर मेरे को ये वाला और पूछना है।
ये वाला वो वाला मत बुला का नंबर बुला कर सर प्रेजेंट कर दिया द मेटल वायर्स ऑफ द ऑफ क्या लिखा है इंडिपेंडेंट डायमेंशन क्या लिखा है थोड़ा सॉल्व कर लीजिए सर इससे नहीं हो पाएगा इतना ही होगा स्क्रीनशॉट है क्या ये यस सर बहुत अच्छे क्या लिखा है बताना तो उसके नीचे शायद आइडेंटिकल है क्या आइडेंटिकल है क्या यस सर आइडेंटिकल डायमेंशन हो गलत टाइपिंग मिस्टेक हो डायमेंशन सारे कनेक्टेड इन सीरीज है एक्स1 एंड एक्स2 नहीं क्या है अरे वो रो 1 एंड रो 2 है यार टाइपिंग एरर है इन सबको रिपोर्ट मान दो ये जो ओम वाले है ना जिसमें ओम को डब्ल्यू लिखा हुआ है और ये देखो एक्स1 एक्स2 नहीं रो 1 एंड रो 2 लिखा होगा ठीक है तो वो रो 1 एंड रो 2 इन सबको है ना वो थोड़ा रिपोर्ट मान दो वहां पे टाइपिंग एरर The effective conductivity of the combination is in series. अरे देखो भाई साहब, ये है series. आप बोलोगे सर, equivalent कितना हो जाएगा? R1 plus R2. आप क्या बोले? Identical dimension है. कैसी है? Identical dimension है. मतलब ये metal wire है देखो, ऐसा है. Length दोनों की same. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम आप बोलोगे इसको रिप्लेस मारना है कंबाइंड से तो आप क्या बोलोगे लेंथ कितनी हो जाएगी 12 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा a मैंने कहा इसका कितना हो जाएगा सिग्मा ये हो जाएगा सिग्मा 1 ये हो जाएगा सिग्मा 2 कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होता है 1 / सिग्मा 1 रख दो r इक्विवेलेंट क्या होता है 1 by sigma equivalent into length कितनी है 12 upon area area कितना हो गया a is equal to 1 by sigma 1 into l by a plus 1 by sigma 2 into l by a solve कर लो l by a l by cancel answer कितना आ रहा है सही कर रहा हूँ सही आ रहा answer yes sir इस आपसे तो सही आएगा सिग्मा इक्विवेलेंट निकालना है आपको कंडक्टिविटी दे रखी है ध्यान रखना रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रेशियो आपको बताना चाहिए कोई डाउट हो तो पूछ लो कहीं पे भी कोई भी चीज क्लियरिटी नहीं हो तो पूछ लेना एनी अदर डाउट सर ये वाला और बता दीजिए सर ये मेरा भी डाउट है आर सेल हैविंग एन ईएमएफ एंड इंटरनेशनल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस आर इज गिवन बाय अरे यार इक्वेशन निकालनी नहीं आती तेरे को B equal to क्या होता है E minus IR equivalent बोल दो क्या ये B किसके across है दिखाना चलो क्या I guess potential difference right तो देखो figure से बना लो पहले figure बनाओ सबसे पहले आपने बोला सर ये ऐसे कुछ है चलो मैं तो बोलता हूँ ये कर लो ऐसा ये स्मॉल आर है ये आई है ये कैपिटल आर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑब्वियस सी बात है ठीक है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बी इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हो और आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर ठीक है क्या करना था आपको सही कर रहा हूँ ना एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा e माइनस आई आर e माइनस e की वैल्यू हो जाएगी r प्लस r इनटू r यहाँ से सॉल्व करो वो भी वही फंसे नहीं क्या देख लेते हैं मैंने कहा सर ठीक है आप ले लो यहाँ से करो तो वही आ जाएगा हाँ ये आएगा अब आपको ये ग्राफ बताना है
सर जब आप आर को वैली कर रहे हो तो आपको पोटेंशियल और किसके बीच में ग्राफ पूछा है बताना बेटा, आर और बी के बीच में आएगा, बी और आर के बीच में, ये वाला वेरिएबल है। तो आपने बोला देखो जब आर की वैल्यू को 0 रख के देखो, ये बी है ये आर है, आर की वैल्यू को 0 करके देखो तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ई बाय आर। जब आर की वैल्यू कितनी है, 0 है, जब आर की वैल्यू को 0 रखा ठीक है भाई साहब, तो आपने बोला बी की वैल्यू कितनी है, ई बाय आर, समथिंग लाइक दिस। सही कर रहा हूँ क्या? हाँ सर ऐसे ही कर रहा हूँ। नहीं सर ये आर जीरो आ रहा इक्वल्स ना? टू वी 0 हो जाएगा। हाँ 0 आया, वो बी 0 आया, ये आ गया। अब आप बोलोगे यार ये कर्व बनेगा, यार पावर देखो कैसी है, कर्व बनेगा, फिर भी आप क्या करो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा चढ़ा के एक दो वैल्यू उठा के देख लो ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर की वैल्यू बंद करके देख लो, जैसे इसकी वैल्यू 1 रखोगे, कुछ भी रख लिया करो हमेशा वैल्यू कुछ रुक रख लिया करो। मैंने बोला कि सर ये वैल्यू 10 वोल्ट मान लो, ये 2 ओम मान लो, ये 1 इनिशियली 1 ओम मान लो राइट, उठा के देख लो कितनी आ रही है। आप बोलोगे सर 10 अपॉन R+R थी, कितना हो गया 3 × 1, कितना आ गया सर 3.3 आ गया, मतलब जब आर की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू कुछ 3.33 आ गया। एक और रख के देख लो, आर की वैल्यू को 2 रख के देख लो, जब आर की वैल्यू को 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एग्री? आप बोलोगे सॉल्व कर लो तो कितनी आ गई, 5 आ गई, मतलब आर की वैल्यू करेंगे 5 आएगा, तो ये कर्व ऐसा बनेगा भाई साहब। ऐसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही है क्या करेक्ट आंसर? चेक करो ऐसा कुछ आंसर है क्या, नहीं तो मैं एक और प्रोसेस चेक करूं। यस सर, ऐसा आंसर है ही नहीं करेक्ट आंसर तो यही है क्या? सर, ये नहीं पता मेरे को। चलो कोई बात नहीं, देख लेना आई गैस ऐसे ही बनेगा, वरना एक दो वैल्यू और लगा के देखनी पड़ेगी, अगर इससे काम चल जाए तो समझ जाओ कि करेक्ट आंसर है। नहीं तो क्या करते हो, मैथमेटिक्स से बिठा दो, पढ़ चुके हम ऑलरेडी। क्या करो, डीवी बाई डीआर निकाल लो, डीवी बाई डीआर निकाल लो, उस पर आपको पता चल जाएगा स्लोप की वैल्यू इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो वहां से कर्व बता सकते हो, वो ज्यादा सटीक देगा आपको राइट। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, कभी कभी आपका काम नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे डीवी बाई डीआर निकाल लो, डीवी बाई डीआर अगर ग्रेटर देन 0 है ठीक है, तो आप बोलोगे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और स्लोप की वैल्यू आप देखो आर जैसे बढ़ेगा देख लेना स्लोप कहाँ तक पॉजिटिव है, हो सकता है वैल्यू डिक्रीजिंग आ रही हो इंक्रीजिंग आ रही हो, जो आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगा। तो डी बाई डी आर निकालोगे बड़े आराम से, बहुत सिंपल सा है, दो फंक्शन की तरह ट्रीट कर दो, डिवीजन वाला मेथड लगा दो ठीक है। तो डीवी बाई डी आर से आपको पता चल जाएगा स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो वहां से आप बता पाओगे ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा, इतना मैंने बता दिया आपको, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। वैसे तो मैंने दो वैल्यू रख के देखी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर ऐसा आना चाहिए। क्यों सर बोला एक ऐसा? लास्ट क्वेश्चन और है। क्योंकि 0 से 1 में ये वैल्यू 3.33 हो गई, 1 से 2 में सिर्फ 5 हुई, मतलब देखो यहाँ से यहाँ में चेंज वैल्यू की कम हुई, जबकि यहाँ पे तो चेंज 1 ही था ना, बट ये जो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू है ना ये कम चेंज हुई, यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज ज्यादा हुई, तो ये ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो एनी अदर थिंग, एनी अदर डाउट? यस सर, सर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ जी प्लीज जल्दी कीजिए, मतलब चार बार पूछने में रिस्पॉन्ड करते यार, हो जल्दी रिस्पॉन्ड किया रहो क्विकली। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अरे स्क्रीन ओपन रहने दो, अपनी बात बोल दो बेटा, मेरे सामने स्क्रीन नहीं की, ओपन रहने दो अपनी बात बोल दो। हाँ सर इसमें पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो हम अलग अलग निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सर, और क्या करोगे बस ये और पूछना कैसे था। का? बिल्कुल ऐसे ही करना होता है यार, पी का निकाल लो क्यू का निकाल लो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यस सर। डिफरेंस ठीक है। हम्म,
फिर और भी हैं। बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बिल्कुल पूछ पूछ के मत बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाएगा और डाकते जाएगा वो क्वेश्चन। सही वाला क्या बोला है, गैल्वेनिक ऑपरेशन डी इज सेंटर्ड बाय रेजिस्टेंस एज ओम टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओपन कीप कीप दैट ओपन राइट, तो थोड़ा सा क्वेश्चन रेजिस्टेंस डी एज सेंटर्ड बाय रेजिस्टेंस एज ओम। इसने बोला कि सर ये गैल्वेनोमीटर है, ये सेंटर्ड है बाय एस पे, ठीक है। उसने बोला कि आप चाहते हो कि सर पहले जब तक सेंटर्ड नहीं था तब यहाँ से करंट जा रहा होगा, वो आई होगा कितना होगा, आई होगा, और वो कितना होगा बेसिकली आई इक्वल होगा बी बाय आर, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड होगी यहाँ पे बी से राइट, और वो रेजिस्टेंस किसका होगा गैल्वेनोमीटर का। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने बोला कि सर अगर मैंने यहाँ पे शंट कर दिया बाय रेजिस्टेंस एस, अब आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, अब आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं कह रहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि सर आई की वैल्यू चेंज नहीं हो, तो बताओ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस कौन सा ऐड कर दूं, गैल्वेनोमीटर की सीरीज बोला ना उसने, ठीक है ऐसे करो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस ऐड कर दूं कि सर आई की वैल्यू अभी भी वही बनी रहे जो पहले थी, आई डोंट वांट आई टू बी चेंज। सर उसने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बोला है और आप जो लगा रहे हो, एक मिनट एक मिनट, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं कि वो गैल्वेनोमीटर बोल रहा है तो गैल्वेनोमीटर मतलब यहां होना चाहिए, आपका डाउट मैं समझ पा रहा हूं, डोंट वरी। आंसर भी इस वाले से ने बनाया है, इससे भी इस वाले से यहां से आएगा ना, नहीं नहीं जो अभी आपने बना रखा है उस वाले से आंसर आ रहा है सही, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। लैंग्वेज में थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है। देखो गैल्वेनोमीटर, देखो दो तरीके से, तो मैंने ऐसा क्यों सोचा और क्यों पहला दिमाग में ये क्यों आया, क्योंकि आपने बोला गैल्वेनोमीटर सेंटर्ड बाय रेजिस्टेंस एस और मैंने वो गैल्वेनोमीटर आपको दे दिया, अब आप गैल्वेनोमीटर के अंदर जाके रेजिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते राइट, ये तो गैल्वेनोमीटर बना के आपको दे दिया राइट, अब आपको जब गैल्वेनोमीटर डिवाइस लगाओगे तो उसके बाहर ही रेजिस्टेंस लगा सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट सर, लेकिन हमें हमें तो डिवाइस, मेरे दिमाग वही कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में पहले ये चीज क्यों आई, हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, थोड़ा डाउट हो सकता है, बट आपने क्या बोला कि ये ऑलरेडी एक डिवाइस है इसको गैल्वेनोमीटर बोल दिया, भाई साहब गैल्वेनोमीटर में एक एस टेंटेड है, अब आप चाहते हो कि जब ये डिवाइस मैं लगाऊं तो इसके सीरीज में मैं जो तुमको गैल्वेनोमीटर दिया उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दूं, तो वो सीरीज में मतलब डिवाइस के सीरीज में लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर इन द लैंग्वेज, ठीक है, बट फिर भी आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो डिवाइस के अंदर आप नहीं घुस सकते ये मान के चलिए आप, ठीक है, तो उसको क्लियर करना चाहिए कि यार अब ये एमीटर बन गया, एमीटर की सीरीज में कितना लगा, उसका लैंग्वेज ये होनी चाहिए, ठीक है आयुषी। यस सर, ठीक है सारी फुट सर, इसका आंसर गलत आ रहा था मेरा, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए सर, ये 1/499 जी बेटा, तुमने जो वैल्यू निकाली है वो शंट की निकाल के दी है, शंट की वैल्यू नहीं पूछी उसने, एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, एमीटर का रेजिस्टेंस मतलब जी और एस का इक्विवेलेंट,
अच्छा सर ठीक है, सर ये वाला नहीं हो रहा मेरे पे। अरे ये वाला मेरे सामने स्क्रीन पे आएगा तभी तो बोलूंगा कौन सा वाला। कर तो दिया सर। कहाँ कर दिया तूने यार, पक गया यहाँ से। सर अब तो हुआ होगा। हाँ तो होगा ही, पहले करता नहीं है बाद में, अब तो हुआ होगा। क्या ये क्वेश्चन? मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ 25 एम्पीयर रेंज, द वैल्यू इन ओम ऑफ नेसेसरी शंट विल बी। लिखा है यार और कुछ भी नहीं है। आप बोलते हैं एक मिली वोल्ट मीटर है, 25 मिली वोल्ट है शायद, और उसको किसमें कन्वर्ट करना है यार, क्वेश्चन का डेटा दे उनका कर लेने दिया कर, जल्दबाजी में रहता है। कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, चलो ठीक है कर ले। ठीक है आप क्या बोल रहे हो कि यार ये 25 मिली वोल्ट का वोल्टमीटर है, ठीक है तो उसको 25 मिली एम्पीयर के कन्वर्ट करना है उसमें। बहुत अच्छी बात है, कर देंगे कन्वर्ट। एक काम करो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। देख लेते हैं 25 मिली एम्पीयर आपने बोला, इसको डिवाइस को ऐसे लगाना है कि यहाँ पे एक शंट लगेगा, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जब ये 25 मिली वोल्ट दे रहा होगा दैट इज द मैक्सिमम रीडिंग। आप बोलते हो कि सर जब सर्किट में यहाँ पे करंट की वैल्यू 25 मिली एम्पीयर आ रही हो तब इस वोल्टमीटर की रीडिंग कैसी आ रही हो? मैक्सिमम, क्योंकि वोल्ट मीटर इससे ज्यादा मेजर कर नहीं सकता। और आप बोलते हो कि मुझे इससे ज्यादा मेजर करना नहीं है, इट मींस करंट की वैल्यू जब सर्किट में 25 मिली एम्पियर आए तब वोल्ट मीटर की मैक्सिमम रीडिंग दे रहा हूँ अपने का। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें से कुछ करंट तो यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा। मैंने इसको बोल दिया आई वी और इसको क्या बोल दिया आई माइनस आई वी, ठीक है। आप जरा देखो आपको पता है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, आई वी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दी वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट, ठीक है। और आप क्या चाहते हो कि सर इसमें जो बचा हुआ करंट गया जो एस शंट है इसके क्रॉस ही पोटेंशियल ड्रॉप 25 मिली वोल्ट ही होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई माइनस आई वी इंटू एस That is also 25 millivolt. I की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 25 मिली एम्पियर। दो वेरिएबल्स हैं, कितने हैं वेरिएबल? दो हैं, तीन हैं? तीन दिखा है। थ्री है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक यहाँ से भी तो निकलेगा। नहीं निकलेगा। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लग रहा है सर, दोबारा प्रेजेंट करूं? नहीं नहीं कुछ नहीं कर, पर्सन में दिमाग में मैं एक वेरिएबल कहां से कम होगा। यहां से देखो
इन दोनों का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना होगा? RB into S upon RB plus S, ये R इक्विवेलेंट होगा, into करंट I, ये भी 25 मिली एम्पियर होगा, सॉरी 25 मिली वोल्ट होगा। इनका इक्विवेलेंट अगर आप सर्किट बनाओगे तो कैसा बनाओगे सर? ये कि ये R इक्विवेलेंट होगा, यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा 25 मिली एम्पियर का, और इसके अलावा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वही 25 मिली वोल्ट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है चल जाएगी, देखो I तो आपको पता है, यहाँ से क्या निकालोगे देखो, IB की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, या IB की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, RB तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, देख लो इसमें कोई भी स्टेप अगर तीनों में से नहीं समझ आया तो पूछ लो, तीन इक्वेशन आनी पड़ेंगी। अभी तक मेरे को जो मेथड आ रहा है उसमें तीनों इक्वेशन से सॉल्व हो गए, और कोई शॉर्टकट आएगा तो बातें बता दूंगा, अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है और इसका आंसर आ जाएगा। तीन वेरिएबल है तीन इक्वेशन है, इस आई की वैल्यू आप कितनी रख दोगे 25 मिली एम्पियर। ये तीनों स्टेप कहां से आए इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। गोविंद सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जो आपने वोल्ट मीटर के संरेशंस लगाए उन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस तो 25 मिली वोल्ट ही होगा ना, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो 25 मिली वोल्ट का है, इसलिए उससे ज्यादा इन दोनों पॉइंट के बीच की ना। यस सर इन दोनों पॉइंट लिया बेटा, तो यस सर इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पोटेंशियल करंट करंट पता होगा तभी तो निकाल पाओगे रेजिस्टेंस। इस ब्रांच का करंट पता है क्या तेरे को? सर आर इक्विवेलेंट पता कर लेंगे ना, आर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा ना हमें। अबे आर इक्विवेलेंट के लिए तेरे को आई चाहिए, आई 25 मिली एम्पीयर, 25 मिली एम्पीयर इससे नहीं निकलेगा बेटा, डिवाइड हो रहा है 25 मिली एम्पीयर तो यहां से जा रहा है यहां से, इसके बाद देखो ये डिवाइड हो गया। सर मैं R इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता है ना, क्योंकि सर उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो 25 मिली वोल्ट होगा ना। अरे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो यही तो आएगी बेटा, एक लिखी इक्वेशन R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हो गई 1 ओम, ये तो लिखी इक्वेशन बेटा। ओके सर ये इक्वेशन लिखी है, ये देख क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V / I, और R इक्विवेलेंट क्या है ये, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 ओम, अरे यही तो है यहाँ डिवाइड कर दो 1 ओम आ गया भाई साहब, ये yes, sir, इतना तो मैंने भी कर लिया था। ये तीन 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 इक्वेशन बनेंगे और तीन वेरिएबल आपको तीनों सॉल्व हो जाएंगे। ये वाली इक्वेशन पता चली कहाँ से आई, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल है, इसमें अगर तीनों इक्वेशन में डाउट हो कहाँ से आई तो मुझसे पूछ सकते हो। सर सोच के बताऊंगा, मतलब एक और समझ नहीं आया। अरे इक्वेशन में डाउट है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ ये इक्वेशन कहाँ से पता है ना। सर एक और मैं बता दीजिए, मैं एक बार नहीं बताऊंगा ये इक्वेशन कहाँ से आई, पहले देख ले सामने पूछ पर है ना खुद से कहाँ से आ रही है, खुद दिमाग लगा के देखिए हाँ ये आ रही है नहीं आ रही है। सर ये तो समझ नहीं आ रही कहाँ से आ गई, बस खत्म, फिर तो तीनों को सॉल्व करना है, आप क्या बताऊं सॉल्व करके दिखाऊं क्या, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख, यहाँ से उठा के यहाँ रख, आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक काम कर आईडी की वैल्यू निकाल ले 25 मिली वोल्ट अपॉन आरबी, यहाँ रख दे आईडी की वैल्यू, आर और एस में इक्वेशन बन जाएगी, आर और एस में इक्वेशन यहाँ रखिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल रह जाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर कर लूंगा। चलो एनी अदर डाउट, कोई और डाउट हो तो बोलने पे ट्राई करें। सर एक टेस्ट का डाउट है, हाँ बोलो
प्रेजेंट किया सर। अच्छा गर्म है ना क्या क्वेश्चन? There are 8 cells, each of EMF 1.5 volt and internal resistance of 0.4.5 ohm. अरे यार ये correction नहीं की इन्होंने यार, कितने बार इनको बोला था मैंने ये W को ohm कर देना यार। Are used to send a current through an external resistance of 1.0. Are sent to current or external resistance of 1.0. ठीक है, how will you arrange them get the maximum power? हाँ भाई साहब, power की value निकाल लो, उसको maximize करके देख लो। मैक्सिमम पावर कब होता है बेटा? सर जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? यस सर, आई स्क्वायर आर के साथ। एनीबॉडी एल्स, बैटरी से मैक्सिमम पावर कब ड्रॉ होता है? सर इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। गोविंद को दिखा दो भाई साहब। दूसरे टैब में अभी है नहीं ना, तो फिर 2 मिनट लगेंगे। ये तो गलत बात है ना यार, 2 मिनट तू लेने में लाएगी, लेके आएगी। सर तो अभी डीपीपी की डिस्कशन हो रही थी इसलिए वो खोला था। तो टेस्ट के क्या अलग से करेंगे क्या यार? कैसी बातें करती, पहली बार कर रही है डिस्कशन। सर तब तक एक पूछ लूं? पूछ तू जल्दी, ये देख अभी तक गोविंद पूछ रहा है मैक्सिमम पावर कब निकलेगा, बताओ इसको। गोविंद आवाज आ रही तेरे को? यस सर। देखो नहीं पता मैक्सिमम पावर कब निकलता है बैटरी से? नो सर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी है? यस सर। बग जा यहाँ से, सामने वहां पर जाइयो, बग जा यहाँ से। थ्योरी पढ़ता नहीं है, रिवाइज करता नहीं, नोट्स सर नोट्स में पढ़ लूंगा। ठीक है, क्या नोट्स रिवाइज कर लूंगा सर। हाँ तो नोट्स रिवाइज करो पहले, पहले डाउट पूछने आते हो, नोट्स नहीं पढ़ रहे हो यार, गजब करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन किसका डाउट था? सर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, टू रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ हैव देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस इन द रेशियो 1:2, व्हेन बोथ रॉड्स आर डिप्ड इन वाटर द व्हिच ऑफ देम विल लूज मोर वेट? रेजिस्टेंस क्या? नहीं, स्टार्टिंग में टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ, राइट? यस सर। लेंथ का रेशियो सेम था तो एरिया का रेशियो निकाल पाओगे? यस सर। सर लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है तो एरिया का रेशियो आ जाएगा? यस सर। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया का रेशियो क्या हो गया? 2:1। अगर 1 से 2 दे रखा है एरिया का रेशियो 2:1 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। आप वॉल्यूम का रेशियो निकाल पाओगे दोनों का? यस सर। वॉल्यूम का रेशियो निकाल पाओगे तो फिर मेरे हिसाब से वही बायंसी वगैरह से सॉल्व कर पाओगे उसको। सर पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, रॉड को जब वाटर में डिप किया तो उसमें पूछा कि वेट लॉस किसका ज्यादा होगा? वेट लॉस क्या होता है बेटा? वेट लॉस इज इक्वल टू वेट एक्चुअल माइनस फोर्स ऑफ बायंसी, यानी उसका वेट लॉस। यस सर। ये तो पूछा यार, ये वेट होता है डेंसिटी वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी ऑफ बॉडी, और ये क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ emerge into the, ये जो different weight loss होता है, नहीं एक second, weight loss नहीं होता, ये तो apparent weight होता है, apparent weight होगा, weight loss केवल ये होता है, ये force of buoyancy, कितना weight कम आएगा, force of buoyancy, density of liquid into volume emerge, volume emerge complete, अरे भाई साहब, v emerge कितना हो जाएगा, जो पूरी body emerge कर जाएगी, तो v1 ratio v2 तो क्या, ratio ना?
कहने का नहीं समझ में आया? नहीं सर। वेट लॉस क्या होगा बेटा? 482 बराबर, अरे तेरा वेट एमजी था, 100 न्यूटन तेरा वेट आ रहा था। तू पानी में गई तो तेरे ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगने लगा, उसकी वजह से वेट में कुछ कमी आ जाएगी। वो कमी कितनी होगी? नेट डाउनवर्ड फोर्स में से जो अपवर्ड फोर्स माइनस होगा वही तो कम आएगा। यस मतलब 482 निकालना है मुझे दोनों का। 482 ये होता है, यस ये दोनों तो दोनों के लिए सेम होगा। अरे लिक्विड की हाँ डेंसिटी और बी तो दोनों के लिए सेम होगी, तो जो वॉल्यूम के रेशियो होंगे वही तो वेट लॉस के रेशियो होंगे, ठीक है और वॉल्यूम के रेशियो एरिया के रेशियो आ जाएंगे क्योंकि लेंथ तो दोनों के लिए सेम है। चलो और बोलो, वेट लॉस नहीं है, वेट लॉस केवल 482 है, वेट अपरेंट होता है, अपरेंट वेट ये होता है वेट लॉस। सही वाला क्वेश्चन। ये अभी तक तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ ये। हाँ इसमें बताओ, क्या बताऊँ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क। ठीक है भाई साहब, देखो इसमें ऊपर वाला 2 ओम हटा दो जो अलग अलग थलग सा पड़ा है, और नीचे सेकंड लाइन में आओगे तो 10 ओम और 1 ओम हटा दो, ये भी अलग थलग से पड़े हुए हैं, ये सर्किट का पार्ट नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब बचता है यार, कितने बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 1 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 3 2 4 2 यहाँ पे कितना लिखा है? 1 राइट, 1 ओम। इसके बाद क्या है? 10 और 1, यहाँ पे 10 है और यहाँ 1 है, और क्या है? 1.8 और 2.2 और 5, 1.8 2.2 और ये 5 ओम, ये पॉइंट आ गया बी। मैंने आपको शायद पहले ही बताया हुआ है, आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो, ठीक है, जब भी निकालना होता है 2 पॉइंट के बीच में तो जिन 2 पॉइंट के बीच में टी होता है उनके बीच में अपन बैटरी लगा देते हैं। बैटरी कहाँ रहेगी? यहाँ, ये वाला देखो, एक ओपन सर्किट का हो गया, इसको हटा दो, ये भी कहीं आगे कनेक्टेड नहीं है, इसको भी हटा दो, ये भी कहीं कनेक्टेड नहीं है, इसको भी हटा दो, ये तो हटा ही दो, इससे मुझे मतलब ही नहीं है। ठीक है, अभी का देखो, सॉरी 4 ओम, ये 10 ओम, ये 4 और 2 पैरेलल है, यस और नो, जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्या ये 4 और 2 पैरेलल दिख रहे हैं? यस सर। ये 3 और 1 सीरीज में हो जाएंगे अगर ये हटा दो तो, यस सर। और 3 और 1 मतलब 4, वो भी इसके पैरेलल में आ जाएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मैंने कहा ये भी हटा दो, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। ये पी पॉइंट और डी पॉइंट, ये सी से डी जाने का एक रास्ता है और ये सी से डी जाने का एक रास्ता है, क्या कोई एक रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस फ्री रास्ता है सी और डी के बीच में? ये वाला, मैं इस रास्ते में क्यों जाऊंगा? सी और हाँ डी के बीच में लगेंगे दो रास्ते, हो जाएगा। है ना, तो सी और डी से जाने के दो रास्ते हैं, ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। अरे इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं तो मैं इसमें क्यों जाऊंगा? इसका मतलब ये वाला कैसा हो गया? शॉर्ट सर्किट है ये, इस रेजिस्टेंस यहाँ ये 1.8 2.8 को ऐड करोगे तो 4 ओम आ जाएगा ना, 4 ओम के दोनों एंड आपस में वायर से कनेक्टेड है, मतलब शॉर्ट सर्किटेड है ना, तो इस वायर का कोई मतलब ही नहीं है इस रेजिस्टेंस का। खत्म हो गया भाई साहब, सिंपल सा क्वेश्चन रह गया। एनीथिंग एल्स? चलो और भी डाउट ये क्विकली, वाला अ सेल ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ फर्स्ट कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एंड देन कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, इफ द पावर डिलीवर्ड इन बोथ द केसेस इज सेम देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। यार क्या होता है उसमें, ये इक्वेशन बनाओ सॉल्व करना पड़ेगा यार। पावर क्या होता है? I स्क्वायर R,
आई की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन आर प्लस आर, पहले में आर वन हो जाएगा पी वन और पी टू हो जाएगा ई अपॉन ये स्क्वायर आर टू प्लस आर इंटू आर टू, दोनों को इक्वेट कर दो। अच्छा आर वन और आर टू वैल्यू दे रखी है, दोनों को इक्वेट कर दो या कैंसिल आउट कर दो, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है। आयुषी सर मैंने किया था तो मेरा तो आर भी कैंसिल ही हो रहा था सर, यस इसमें आर कैंसिल कैसे हो जाएगा, कैंसिल यार e स्क्वायर अपॉन r, r की वैल्यू कितनी 18 राइट, 18 प्लस r का होल स्क्वायर इनटू 18 इज इक्वल टू e स्क्वायर इनटू 8 अपॉन 8 प्लस r का होल स्क्वायर, कहां से कैंसिल हो रहा है e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सॉल्व करो 8 प्लस r का होल स्क्वायर इनटू 18 इज इक्वल टू 8 इनटू 18 प्लस r का होल स्क्वायर, ओपन करो कैसे कैंसिल हो जाएगा यार, ट्राई करके देख लो, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ सर तुम्हारी मिस्टेक होगी कोई ना, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, चेक करो कैंसिल नहीं होगा, अरे आएगा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, दोबारा चेक करना, कैंसिल होने का सवाल ही नहीं है, अंटिल अनलेस दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ जाए तो बात अलग है, मेरे को लगता नहीं है दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ जाए, ठीक है तो कैंसिल होने का सवाल नहीं है, आएगा जरूर क्विकली। नोट कर लिया करो क्वेश्चन नंबर यार, जल्दी हो जाएगा, चलो मार खा जाओगे तुम, है ना क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया कर छोरी, सही वाला इसका जीरो होगा क्या बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी बिल्कुल जीरो होगा, ए से डी जाने का देखो नीचे वाला पाथ रेजिस्टेंस फ्री है सर, लेकिन अगर हम करंट का पाथ फॉलो करें तो ए एंड डी होगा, लेकिन क्वेश्चन ने तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस ही पूछा है ना, तो रेजिस्टेंस अगर जीरो है ना यार सर, लेकिन अगर करंट करंट की अगर हम बात करेगा सर्किट में करंट हो तो हम ये कहते हैं कि वो वाला रास्ता फॉलो करेगा जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आपके बीच में एक ऐसा वायर हो जो जीरो रेजिस्टेंस का हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी जीरो ही होता है, क्या प्रूफ करके नहीं दिखाया था क्या सर यहाँ पे, अरे ऐसे भाई मैंने कहा ये लो आर वन आर टू, यहाँ ये दो पॉइंट है ए और बी, जरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, एक और इजी तरीका बताओ सिंपल सा कर लो, कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जरा बताइए सर, आप बोलोगे सर आर टू इंटू जीरो अपॉन आर टू प्लस जीरो कितना आया बेटा, जब आपको एक पहले रास्ते में रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा ही होगा हमेशा यार, जिंदगी भर हमेशा जीरो होगा, आपने क्या बोला जब भी दो वायर दो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में लगे हो तो हमेशा जो रिजल्टेंट आता है वो स्मॉलर से भी स्मॉलर आता है, आपने बोला एक वायर आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगा उसका रेजिस्टेंस जीरो है तो जीरो से कम रेजिस्टेंस कैसे आ सकता है सोचो, यस सर तो रेजिस्टेंस जीरो आएगा, सॉल्व करके देख लो ना यार उसमें सर, दो क्वेश्चंस और है बस, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी, ये मत बोलो कि दो क्वेश्चन और है, ये बोला तो सर ये वाला और है सर, मेरा ये वाला बता दीजिए, अरे ये वाला कौन सा तेरा रिप्रेजेंट होता नहीं, ये वाला कौन सा बता दूं तेरे को, वो तो गया, अरे नहीं आया, आया होगा तो बता देता मैं, अभी 10 मिनट बताएगा कोई कब आया ऐसा बोलेगा तू, सर आ रहा है देखिए आपको आ रहा है क्या, तू बस से भेजा क्या तूने, आ रहा है आई सी रुकर इसके भरोसे मत बैठ, आप देखो तो आप भी आया होगा आप विश्वास नहीं कर रहे, क्या बताऊं उसमें सर, मेरे को तो लग रहा है कि जैसे जैसे सुन लगा मत कर, सॉल्व करके निकाला कर, बट लग रहा है
मैंने क्लास वन में कराया क्वेश्चन, लग रहा है लेको लग क्या रहा होता है, सॉल्व किया तूने, व्हाट लग रहा है मुझे है? लूज मोशन है जो तेरे को लग रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर, सॉल्व करके लेके आना, फिर बोल कि सर देखो ये आंसर आ रहा है, मैंने क्वेश्चन क्लास नोट में सॉल्व करा है उसकी वैल्यू निकाल के देख, ऐसी बातें कर देता लग रहा है, रुक जाए यार उसकी बात खत्म हो जाने दे, फिर रोने लगेगा बैठ के, मैं जानता हूँ उसको, क्या लग रहा है बोल सर, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे तो उसके अंदर करंट बढ़ा रहे, चुप रह कर क्वेश्चन ओपन कर और फिर बात कर, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे बना फिगर अपनी कॉपी में जल्दी से कोई नहीं, इक्विवेलेंट निकाल, आर इक्विवेलेंट निकाल, कितना है इक्विवेलेंट बेटा, गोविंद वो ऐसे खेल रहा है, सर इक्विवेलेंट आएगा e1 प्लस e2 प्लस e3 और r इक्विवेलेंट भी ऐसे आ जाएगा, अबे आइडेंटिकल है वो, आइडेंटिकल n टाइम्स ऑफ ये आएगा, यस सर, तो e1 प्लस e2 क्या होता है n टाइम्स ऑफ e और r इक्विवेलेंट कितना आएगा n टाइम्स ऑफ r, i कैसे निकालेगा v / r तो n टाइम्स ऑफ, अच्छा सर समझ गए, n से n कट जाएगा, कह रहा हूँ किसी मारा जाएगा, तू बता रहा हूँ जिस जिस छत के नीचे बैठा ना गिर जानी है वो, हवा में बातें करते हो यार, पेन तो चलाया करो यार, बेसिक क्वेश्चंस बोल करते हो यार, अब मुझे को ऐसा लग रहा है, अरे लग रहा है से क्या होता है यार, चीजें सॉल्व तो करके देखो, क्वेश्चन अगर उससे पूछा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन होगा, लगने से नहीं होगा यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, सही वाला। Two cells of EMF approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 centimeter. ठीक है? The battery that runs the potentiometer should have voltage of 8 volt. हाँ, नीचे जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं डाउन से डाला हुआ था। ठीक है? आपको जो कंपेयर करना था, the first portion of 50 centimeter cell should have potential drop of ऊपर क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पे उसने बोला कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ एप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड। ठीक है, मतलब आप सोचो फिगर को थोड़ा याद रखो, अगर आपको याद हो ये वायर होता है, यहाँ पे आपने बोला ये बैटरी लगी होती है, जब इसमें नल पॉइंट ढूंढते हो, नल पॉइंट जब ढूंढते हो इसका मतलब क्या, इसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है और एक वायर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होना चाहिए, आप बोलते हो कि सर वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, अगर ये 5 वोल्ट है तो आप बोले इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 5 वोल्ट, तब नल पॉइंट मिलेगा, आप बोलते हो अगर ये 10 वोल्ट है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए 10 वोल्ट, तब ये 10 वोल्ट मिलेगा, अरे जब ये जो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है अगर वही 10 वोल्ट की नहीं है तो क्या ए और बी के बीच में कभी 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर पाएगी, सोचो, जितना ड्रॉप मुझे यहाँ चाहिए उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर आप बोलते इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी नल पॉइंट मिलेगा बीच में नहीं, अगर इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट भी नहीं है तो भाई साहब ए और बी के बीच में 10 वोल्ट कैसे मिल जाएगा, जिंदगी में नहीं मिल पाएगा,
तो आप बोलोगे बैटरी की पहले तो कैपेबिलिटी 10 वोल्ट से ज्यादा क्रिएट करने की होगी, तभी तो ए और बी के बीच में 10 वोल्ट क्रिएट कर पाएगा वो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। सर इतना तो वैसे मैंने भी कर किया था, लेकिन फिर भी मुझे ऑप्शंस मिले नहीं कौन सा वाला सही होगा। क्यों भाई साहब, लिखा तो है ऑप्शन सामने सीधा सीधा कि शुड स्लाइटली एक्सीड 10 वोल्ट। बंद क्यों कर देते हो यार, ऐप बंद कर देते हो यार, सिर्फ टाइम चेंज कर लिया करो। कौन है ये, कोई और है क्या? अरे छोड़ो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। बहुत टाइम लगाते हो। ऑप्शन दिख रहा है कोई? The battery of potentiometer can have a voltage of 15 volt and are adjusted so that the potential drop across, ये second option, potential drop across across the AC should have greater than 10 volt. Yes sir. मुझे तो इस वायर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 10 वोल्ट से ज्यादा चाहिए। बैटरी, उसके लिए बैटरी 10 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। अब बैटरी 10 से 11, 12, 20, 25, 30 कुछ भी हो, मुझे इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 10 से ज्यादा चाहिए बस। क्योंकि मुझे यहाँ पे जब नल पॉइंटर चाहिए तो एक बैटरी 10 वोल्ट की भी है, उसके लिए भी नल पॉइंटर ढूंढना है। क्लियर है? यस सर। ये वाला लास्ट, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट बाय टू मेंशन स्ट्रिंग ऑफ वेल्ड एंड अदर पार्टिकल्स म्यूचुअल पंच द चार्ज स्फीयर। ये नीट का क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये 2016 का। मैं बोलता हूँ ना 45 क्वेश्चन में से हम हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं, तो ये 2016 है 17 में से ही अच्छे लेवल में से क्वेश्चन था ये 2018 में। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द ईयर। देखो इधर, आपने बोला कि सर ये यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा डेटा यार मेरे को चाहिए होगा। चलो ऐसा इधर एट अ कॉन्स्टेंट रेट, देखो इसमें एक लाइन हाईलाइट कर लो, मैं आपको पहले बता देता हूँ। The charge being to leak from both the spheres at a constant rate. इसका मतलब dQ by dt is a constant. ठीक है? Charge leak हो रहा है मतलब charge कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कुछ भी अगर leak है तो कम हो रहा है। तो dQ by dt, change in charge per unit time is constant. Constant rate पे ये change हो रहा है। एक line ये ध्यान रखना। ठीक है? Charges approach each other with the velocity of v. आपने बोला कि सर ये charges जो है वो एक दूसरे को v velocity से approach कर रहे हैं। और उसने बोला देन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, किसी भी रैंडम टाइम पे आप बोलोगे इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x है। और ये मालूम है कि ओरिजिनल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी थी, d थी, जो कि इनकी जो लेंथ है l वो d काफी बड़ा है लेंथ ऑफ द थ्रेड से। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, ये जो आपको डेटा पॉइंट पता होने चाहिए। अब जरा देखो यहाँ पे आपने बोला मान लो ये एंगल कितना है थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो जरा देखो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात बोले इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ टेंशन लग रहा होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा होगा। क्लियर? आप बोलोगे सर यहाँ पे इस पे भी चार्ज क्यों मान लो, इस पे भी चार्ज क्यों मान लो। तो अगर किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम की बात कर लो तो देखो इक्विलिब्रियम नीचे इसका एमजी होगा, एमजी को कौन बैलेंस कर रहा होगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए या फोर्स इक्विवेलेंट, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इस पे ड्यू टू दिस। क्लियर है यहाँ पे? मैंने कहा किसी भी टाइम पे हम मान लेते इक्विलिब्रियम पे होता तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, F upon mg। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार यूज होगा। अब जरा देखो मैंने कहा F की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप बोलोगे kq square by इनके बीच से किसी भी टाइम पे डिस्टेंस हमने क्या माना x, x square, ये तो F होगा। लिख लो भाई tan theta is equal to kq square by x square upon mg।
इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करोगे, आपने बोला कि सर दोनों साइड या फिर एक साइड डेटा ले लो, KTU स्क्वायर इज इक्वल टू MG tan थीटा इनटू x स्क्वायर, ऐसा करोगे ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, इसको डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड, क्या कर लो डिफरेंशिएट, मैंने कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या करोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भाई। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आएगा 2q into dq by dt, किसी भी रैंडम टाइम पे इनका चार्ज मान लो q बचा हुआ था तो उसको रैंडम टाइम पे ले रहे हम, इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करोगे तो mg tan थीटा तो उस टाइम पे क्या है कॉन्स्टेंट है, देख सकते हो tan थीटा की वैल्यू भी रख लो, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है, tan theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular है x और base है ये distance, ठीक है समझ में आ रहा है, ये distance होगी मान लो कुछ भी ले लो, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, ये distance आपकी क्या होगा बेटा, l cos theta होगा ना सर, l cos theta होगा, लेकिन मैं theta के टर्म्स में भी नहीं लेना चाहता उसको, perpendicular upon hypotenuse कर लो, क्योंकि यार देखो आपको ये चीज दे रखी है d is greater than l, इसका मतलब सर ये जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है as compared to l, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा वो tan theta इतना छोटा होगा कि tan theta और sin theta दोनों बराबर लिख सकते हो, आया ना, तो sin theta को क्या लिख सकते हो perpendicular upon hypotenuse, मतलब मैं इसको x by l लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्या लिख सकता हूँ x by l लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा को आप x by l लिख भी दो, बराबर तो नहीं कर रहा हूँ मैं सर, पर x तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, हाँ x by 2 हो जाएगा यार, तो गड़बड़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं कोई सी स्टेप में गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई वो देखना पड़ेगा, उल्टा तो देख के tan थीटा देखो सर, t sin थीटा t cos थीटा इज mg, ठीक है भाई ऐसी by mg kq x स्क्वायर, अब एक काम करो ना इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, t sin थीटा इज इक्वल टू t नहीं चाहिए टेंशन नहीं चाहिए, एनी पॉइंट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे आएगा, चलो ऐसे करके देखते हैं x by 2, x by 2 इन दिया है x by 2 into x square आ रहा है, ये कर रहा है डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2 के लिए कांस्टेंट है, कुछ तो गड़बड़ है, कैसे देखते हैं कहीं अपन स्टेप मिस्टेक कर रहे हैं, चलो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, tan थीटा वैल्यू को फिर से देखते हैं, tan थीटा को भी देख नहीं लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x by 2 अपॉन बेस, बेस की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अब जरा देखो मैंने कहा एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लोगे तो ये आएगा एक्स बाय 2, यहाँ से एक्स कॉमन लोगे एल ले लो ठीक है, तो एल बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
एक्स बाई टू सॉरी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई फोर ठीक है एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाई फोर। इसको आप डिफरेंशिएट कर इसको क्या लिखोगे को कौन सा एडर देना है चलो कर लेते हैं कभी यही आ रहा है तो इसी से मुझे लग रहा है आंसर गलत ना हो जाए कहीं तो चलो ये आएगा ये देखो x क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर ऐसे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पे देखो बाकी तो कांस्टेंट है l कांस्टेंट है k कांस्टेंट है mg कांस्टेंट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है x और q चेंज हो सकते हैं चार्ज चेंज हो रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है मैंने कहा बहुत सी बात है तो x क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर ठीक है आप बोलोगे कि सर यहां पे डिफरेंशिएट करो दोनों को एक दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा 3x स्क्वायर इनटू dx बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू 2q इनटू dq बाय dt इसको लिख सकते हो आप वेलोसिटी कुछ तो एक स्टेप मिसिंग है आंसर तैयार है हम इसे करवा बोल नहीं पा कोई मेरे स्टेप में कोई मिस्टेक निकाल पाएगा प्लीज सर आपने थीटा को बहुत स्मॉल कैसे बताया था थीटा को बहुत स्मॉल ऐसे बताया कि आपका जो डिस्टेंस है ठीक है दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल और सॉरी डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l वाई से बढ़ सकते हैं वो क्वेश्चन में दिया है कुछ दिया है सॉरी उल्टा भी लिखा शायद मैंने उल्टा लिख दिया है ऐसा नहीं लिखा दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज टू लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू या फिर आप यहां से एक लो tan थीटा वैल्यू लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने l कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x स्क्वायर बाय l स्क्वायर अब आपको पता है l बहुत ज्यादा है ठीक है क्या है l बहुत ज्यादा है आवाज आ रही है मेरी यस सर एल बहुत ज्यादा है तो एल बहुत ज्यादा है तो एक्स बाय एल की वैल्यू कितनी आएगी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ऑलमोस्ट जीरो एल बहुत ज्यादा है तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो ये टेन थीटा कितना हो गया एक्स बाय टू एल हो गया आप ऐसे लिख दो या बोलो ये एल बहुत ज्यादा है ये डिस्टेंस बहुत कम है मतलब क्या होगा ये एंगल बहुत छोटा होगा ठीक है ये एंगल बहुत छोटा होगा तो हमने टेन आप ऐसे लिख सको तो ऐसे भी देखो आंसर वही आ रहा है आप यहां से लिख रहे हो तो भी आंसर देखो x by 2 into l ही आ रहा है तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे यहाँ पे l और d का रिलेशन निकाल दो दोनों ही केस में आपके ये थीटा स्मॉल से आंसर आ जाएगा यहां पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ये q एक्स्ट्रा आ रहा है ये x कैंसिल होना चाहिए था ये x कैंसिल हो रहा है और x मल्टीप्लाई हो रहा है a q1 q2 by x square ये इधर है ना मल्टीप्लाई होगा ना तो फिर डिवाइड होना चाहिए था कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो छोड़ो मैं कहता हूँ प्रोसेस यही है इसमें बस यहाँ कहीं स्टेप में एक मिस्टेक आ रहा है तो अभी नहीं आया दीवार वाली ठीक है तो वैसे मैं आपको स्टेप बता दूँ इसको वेलोसिटी लिखोगे डी क्यू बाई डी टी को कॉन्स्टेंट लिखोगे तो वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी को चाह रहा होगा ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है यहाँ से क्योंकि ये क्यू एलिमिनेट नहीं हो रहा है
और वो कहां से होगा, वो स्टेप नहीं आया। प्रोसेस ये रहेगा, dx by dt को आप वेलोसिटी लिख दोगे, dq by dt को आप कांस्टेंट लिख दोगे, कि उसने बोला कि द चार्ज इज लीकिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। और यहां से रिलेशन निकालोगे तो v इज क्या, आंसर क्या है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है क्या, नहीं 1/2 होगा मेरे हिसाब से, चेक करना है ना। बाकी इस प्रोसेस को दोबारा करके देखना कहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। चलो अभी के लिए छोड़ो, कितना भी दिमाग लगाओगे छोड़ दोगे तो दो नट आ जाएगा, वरना अपन सोचते रहेंगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सर, हो गया क्या, हो गया मतलब बाकी क्वेश्चन हो गए, मतलब डाउट्स खत्म हो गए। अच्छा डिस्टेंस लेस देन 1 नहीं दिया था, पूर्णिमा शर्मा क्या बोल रहे हो, लेस देन 1 कौन बोला डिस्टेंस, तो मतलब क्वेश्चन में डिस्टेंस लेस देन 1 लिखा था, लेस देन l लिखा था, l l l l l l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेस लेस देन l लिखा है वो, 1 नहीं है वो, ठीक है। इसको खुद ट्राई करना आ जाएगा, मैं कहां मिस्टेक करूं अभी नहीं पकड़ पा। सो एक डाउट, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आप डाउट भी निकाल दिया आज तुमने, कितना टाइम हो गया, आप क्या डाउट ही पूछो, चलो हाँ किसका डाउट है बोलो बोलो। ये भी ये नीट 2019 का क्वेश्चन है यार, आपको दोनों को आइडेंटिकल मानना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज होगा नहीं। ये 2019 नीट का मतलब लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जरा देखो इसमें क्या बोलोगे, द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर विल बी, पहले केस में देखो रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, बैटरी कितनी है 10 वोल्ट, तो जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, हाँ सही कह रहा हूँ ना, हाँ सही कह रहा हूँ, तो आप बोलोगे जो 10 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पहले केस में, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा, यस है ना। उन्होंने आइडियल नहीं बोला था, ये यहाँ गलती करती थी, बिना आइडियल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, स्क्रीन मैंने तो सामने वर्बली बोलना है, कुछ नहीं आपको सॉल्व कराना होगा, दोनों आइडियल हैं, इसका मतलब दोनों के रेजिस्टेंस आपको पता है, डी का जो वोल्टमीटर है उनके इनफाइनाइट होगा रेजिस्टेंस और एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो अगर पहले केस में देखोगे तो 10 ओम के अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज 10 वोल्ट, और करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पीयर, करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पीयर, ठीक है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10। दूसरे केस में देखिए आप क्या बोलोगे कि सर वहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप देखिए कहां पर पोटेंशियल क्या कहते हैं वोल्टमीटर आपका कहां लगा है वो जरा देखिए, वोल्टमीटर एक्चुअली दूसरे केस में सबसे पहले तो देखो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ भाई, बोलो भाई, अभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका उतना ही रहने वाला है क्योंकि वो वोल्टमीटर की सीरीज में ऐड कर दिया जिसमें ऑलरेडी हमने वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा मान रखा था, इनफाइनाइट मान रखा था, करेक्ट। तो इनफाइनाइट में अगर मैं 10 ओम कनेक्ट भी कर दूं, 10 ओम कनेक्ट भी कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन ये नहीं है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, यार ये फिगर गलत है यार, फिगर में कोई गलती है, ऑप्शन दिखाना जरा, फिगर में कोई मिस्टेक है यार, V1 equal to V2 and I1 equal to I2,
ठीक है फिर तो उसके हिसाब से आंसर करना। ठीक है ऊपर जाओ ऊपर जाओ। कहने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात बोले जो 10 ओम है ऊपर का आर इक्विवेलेंट है वही नीचे का आर इक्विवेलेंट आने वाला है, क्योंकि आप बोलोगे वोल्ट मीटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा है उसका कोई रोल नहीं है, वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो उस ब्रांच में करंट आना ही नहीं है, तो उस ब्रांच में अगर आपने इनफाइनाइट पर 10 ओम का रेजिस्टेंस बढ़ा भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी भी 10 ओम आएगी। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर 10 ओम आएगी तो करंट की वैल्यू अभी भी वही आने वाली जो पुराने में था, तो आई1 आई2 की रीडिंग भी कैसी हो जाने वाली है सेम आया ना सर। लेकिन इसमें कहा नहीं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अबे ओए पहली लाइन क्या स्टार्ट की मैंने क्वेश्चन की, क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने क्या चीज बोली थी बेटा गोविंद क्या कहा था सर सुना करना यार क्या कहा था मुझसे पूछ रहा है क्या बोला था मैंने कोई बताएगा इसको वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी थी नीट 2019 का क्वेश्चन है और उसने दोनों को आइडियल नहीं दिया है बट उनको आइडियल मानना पड़ेगा और आइडियल का मतलब होता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो जानते हो आइडियल आइडियल वोल्ट मीटर यस सर जानता हूं आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता है यस सर और मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही बोला था कि उनको आइडियल मानना पड़ेगा ओके सर चलो सॉल्व आगे बोलो। मतलब उस ब्रांच में करंट जाने नहीं है तो जो 10 ओम के अक्रॉस अभी भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, जब उस ब्रांच में करंट जाने नहीं है तो नीचे वाली ब्रांच का 10 ओम का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है तो बेसिकली आप बोलोगे ऊपर वाला और नीचे वाला ऑलमोस्ट सेम फिगर है, आप उसको इस तरीके से सॉल्व करके और आंसर आपके V1 इक्वल टू V2 और I1 इक्वल टू I2 आ जाएंगे। क्वेश्चन में ये कंट्रोवर्सी थी मुझे मालूम है इसलिए मैं क्वेश्चन देख के याद आया, क्योंकि हमने नीट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया तब भी ये कंट्रोवर्सी थी, मैंने ये अजम्पशन लेके सॉल्व किया दूसरे टीचर ने नहीं किया, बोला यार ये तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, मैंने कहा सर ये अजम्पशन लेना पड़ेगा उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है, तो बोला ऐसे कैसे मान लें मैंने, ठीक है कोई बात नहीं आंसर किया जाने दो, ये क्या आंसर किया ये उसने वही माना था। ठीक है तो क्वेश्चन की कॉन्ट्रोवर्सी है कुछ नहीं कर सकते। चलो और कोई डाउट एनी अदर डाउट्स कोई नहीं पेपर में डीपीपी में नो सर। चलो कैपेसिटर में अभी तक कोई डाउट जो थ्योरी अपन ने पढ़ी नहीं ना चलो कोई बात नहीं एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो अब बाकी तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो ये कैपेसिटर है ये चार्ज है पहले से कैसा है चार्ज कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है ऑलरेडी वी बैटरी से इसको चार्ज किया गया ऐसे कह लो इसके अक्रॉस वी बैटरी से इसको क्या किया चार्ज किया गया चार्ज करने के बाद इसको हटाया गया यहां से डिस्कनेक्ट किया गया और अब इसको 2V से कनेक्ट कर दिया गया सेम कैपेसिटर को पहले इससे कनेक्ट किया गया चार्ज कर दिया गया चार्ज करने के बाद इसको हटा के इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है मुझे बताना है कि इसमें हीट लॉस कितना हुआ इस केस में हीट लॉस और वर्क डन बाय द बैटरी तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे समझने की कोशिश करें कैसे करते हैं। देखो जब आपने इसको वी वोल्ट से बैटरी से चार्ज किया तो इसका मतलब इसके अक्रॉस कुछ प्लस क्यू आ गया होगा या माइनस क्यू आ गया क्योंकि बॉडी अब चार्ज हो गई और इस क्यू की वैल्यू होगी सीवी क्यू इक्वल टू सीवी होता है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी आ गया ये चार्ज हो गया और आप बोलोगे कि इसमें जो एनर्जी थी वो हो गई हाफ सीवी स्क्वायर यहां तक मुझे आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको उठा के जब मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो अब ये बैटरी और चार्ज करेगी अब यहाँ पे आप बोलते हो कि सर यहाँ पे फिर से और चार्ज करेगी अब इसके अक्रॉस कितना लाएगी 2V जब भी चार्ज लगेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 2V और नेट चार्ज मैंने मान लिया कितना आया प्लस Q1 और माइनस Q1 और Q1 की वैल्यू आपको पता है कितना है सी इंटू 2V इक्वल टू क्या होता है CV Q1 इक्वल टू सी इंटू 2V। अब देखो पहले ऑलरेडी इस पे इतना चार्ज था अब इस पे चार्ज कितना होगा Q1 इसका मतलब ये चार्ज जो है रेस्ट जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहां से क्रॉस हो गया यहीं आया
तो कितना चार्ज यहाँ से ट्रैवल किया, अगर देखो कितना चार्ज यहाँ से ट्रैवल किया, तो आप बोलोगे जो चार्ज ट्रैवल किया है वो कितना किया, क्यू वन माइनस क्यू, तो डेल्टा क्यू है। नेक्स्ट नया चार्ज जो इस पे आया है जो कि बैटरी से यहाँ से क्रॉस करके गया होगा वो कितना था, आप बोलोगे सर टू सी वी माइनस सी वी दैट इज इक्वल टू सी वी। इतना चार्ज इस बैटरी से क्रॉस करके यहाँ आया, समझते जाना एक एक स्टेप। तो आप बोलोगे वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, सर वर्क डन बाय बैटरी देखो कितना आया, आप बोलोगे सर Q इंटू डेल्टा वी, एक होता है Q इंटू डेल्टा वी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, Q चार्ज उसने ट्रैवल कराया है कितने पोटेंशियल डिफरेंस है 2V से, तो आप बोलोगे Q इंटू 2V। और Q की वैल्यू आपको पता है कितना चार्ज, ये डेल्टा Q, ये वाला डेल्टा Q, डेल्टा Q लिख देता हूँ, कितना चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया उसी चार्ज की तो बात हो रही है, वो डेल्टा Q कितना है CV के बराबर है, तो आप देखो कितना आ गया CV इंटू 2V दैट इज 2CV स्क्वायर। इतना वर्कन बैटरी ने किया, मैंने कहा देखो अब आप बोलते तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, आप बोलोगे हाफ सी इंटू टू वी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, मतलब बेसिकली अभी हो गया फोर बाई टू सी वी स्क्वायर। पहले कितनी एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर, अब है फोर बाई टू सी वी स्क्वायर। मैंने देखा नई एनर्जी कितनी आई, आप बोलोगे चेंज इन एनर्जी कितनी आई, फाइनल माइनस इनिशियल 4 बाय 2 सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 सीवी स्क्वायर। अब जरा सोचो ये एनर्जी कहां से आई, सर बैटरी ने दी ना, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई वो किसने दी, बैटरी ने दी। तो बैटरी ने आपने बोला सर कैपेसिटर को कितनी एनर्जी दी, 3 बाय 2 सीवी स्क्वायर, बट बैटरी का वर्क डन कितना था 2 सीवी स्क्वायर, इसका मतलब बाकी का कितना हो गया लॉस हो गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे लॉस कितनी है, हीट लॉस दैट इज इक्वल टू वर्क डन कितना किया बैटरी ने 2CV स्क्वायर, और एक्चुअल में उसका वर्क डन जो कैपेसिटर को दिया गया वो कितना था माइनस 3 बाय 2CV स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा CV स्क्वायर बाय 2। लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें क्या था कि सर जितनी एनर्जी आपने कैपेसिटर को दी थी उतनी ही एनर्जी बैटरी में लॉस हो जाती थी, देखा था आधी एनर्जी लॉस हो रही थी और आधी एनर्जी कैपेसिटर को गिवन हो रही थी, बट यहाँ पर देखो ऐसा नहीं हुआ, जो एनर्जी लॉस हुई वो थी सीवी स्क्वायर बाय टू और जो एनर्जी वाकई में यूजफुल थी वो थ्री बाय टू सीवी स्क्वायर थी। तो मैंने आपको अगर याद भी हो तो मैंने बोला था ऐसा कभी भी ये मत मान लेना कि बैटरी आधा लॉस करती है और आधा कैपेसिटर को देती है। उस केस में ऐसा होता था कि आपने अगर जीरो से लेके पूरा मतलब डिस्चार्ज कैपेसिटर को अगर बैटरी के अक्रॉस लगाया है तो उसको फुल्ली चार्ज अप करोगे तो बैटरी क्या करती थी सर हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी कैपेसिटर को दे देती थी और हाफ सीवी स्क्वायर उसकी चार्ज में लॉस हो जाती थी रास्ते में चार्जिंग करते टाइम। बट इस केस में देखो आपने ये एक नया क्वेश्चन आपने बोला पहले इसको एक बैटरी से चार्ज कर दिया गया फिर आपने उसको उठा के दूसरी बैटरी में लगाया तो उसका चार्ज चेंज हुआ होगा, बैटरी ने वर्क डन किया होगा, उस बैटरी ने जो वर्क डन किया वो इतना आया, उसमें से जो यूजफुल जो इसकी एनर्जी बढ़ाने में काम हुआ वो इतना था, पहले ऑलरेडी इसके पास कुछ एनर्जी थी वो तो ऑलरेडी इसने दे दी थी ना, अब जो एनर्जी हो गई है वो ये हो गई है, तो आप बोलोगे वो तो टोटल एनर्जी हो गई, तो इस बैटरी की वजह से कितनी एनर्जी मिली, आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई सर बाकी हीट लॉस हो गया। तो बस ये बताना है कि इसको प्रोसेस को करना कैसे होता है ये मुझे सिखाना होता है, किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो पूछ लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनते नहीं है नॉर्मल लोगों से, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको जनरली दे दूंगा तो शायद आपसे बनेंगे नहीं ये बता दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन एनी डाउट्स, अरे भाई है नहीं है कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर। क्लियर है? यस सर। चलो इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे, डीपीपी आपको देनी है शायद है ना, डीपीपी का भी क्या दूं कैपेसिटर की डीपीपी देनी है, कैपेसिटर तो एक ही लेक्चर हुआ है, चलो देखते हैं अगर डीपीपी बनता है तो डीपीपी देते हैं, नहीं तो इतना आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू एवरीवन।